महाराष्ट्र में आज विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के घटक दलों के नेताओं की दो दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। इस बैठक में गठबंधन के पदाधिकारियों, समन्वयन समिति, साझा न्यूनतम कार्यक्रम और आगे की रणनीति समेत कई अहम बिंदुओं को लेकर चर्चा हो सकती है। यह दल तय करेंगे कि एनडीए के खिलाफ 2024 में किस रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाए ताकि मजबूती से मुकाबला किया जा सके। यह बैठक मुंबई के 5 स्टार होटल में 31 अगस्त यानी आज से 1 सितंबर तक होगी। इस बैठक में कुल 28 दल हिस्सा लेंगे, जो बेंगलुरु में हुई पिछली बैठक के मुकाबले 2 अधिक होंगे। इंडिया अलायंस की बैठक को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, पूरी रिपोर्ट में देखिए। दरअसल विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में बीएसपी के शामिल होने की अटकलों को मायावती ने खारिज कर दिया है। बीएसपी सुप्रीमो ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभाओं में अकेले चुनाव लड़ेंगी। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है और इसके लिए पूरी प्लॉटिंग भी की जा रही थी। दरअसल यूपी में कांग्रेस के दलित समुदाय से आने वाले ब्रिजलाल खाबरी को हटा दिया था, जिसकी वजह से ऐसा संदेश गया मायावती को कंफर्ट फील कराने के लिए। उसने खाबरी को हटाकर अजय राय को यूपी की कमान सौंपी है, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि कांग्रेस एक ओर उन्हें गठबंधन में शामिल कराना चाहती है और दूसरी ओर यूपी में दलित समुदाय से ही आने वाले नेताओं को कमान भी दी है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एनडीए व इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्ना सेठ समर्थक व पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी अनवरत संघर्षरत है और इसलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अतः मीडिया से अपील है, नो फेक न्यूज। इसके बाद मायावती ने आगे कहा कि बीएसपी विरोधियों के जुगाड़ जोड़ तोड़ से ज्यादा समाज के टूटे बिखरे हुए करोड़ों उपेक्षितों को आपसी भाईचारा के आधार पर जोड़कर उनके गठबंधन से सन 2007 की तरह अकेले आगामी लोकसभा तथा 4 राज्यों में विधानसभा का आम चुनाव लड़ेंगे। मीडिया बार बार भ्रांतियां न फैलाए। मुंबई के 5 स्टार होटल में होने वाले इस बैठक में मायावती के अलग होने के बाद से कुल 28 दल हिस्सा ले रहे हैं, जिसको लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि घमंडिया गठबंधन की लोकसभा में सीटें भले ना बढ़े, पर उसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि जल्द ही इस गठबंधन में आपस में लंगड़ी मार खेल शुरू हो जाए। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।